हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इनफेमेकोराजोन, और आज मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जैसा कि आपको बताया, आजकल ना साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फेसबुक पे। सबसे पहले आपको होगा ऐसा कि इसमें एक लड़की की आईडी बनाई होती है और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे और सामने से आपको मैसेज आएगा, और उसके उसके बाद वो जो लड़की की आईडी में जो बंदा है वो आपको बोलेगा कि वीडियो कॉल के लिए। फिर आप वीडियो कॉल करेंगे और वहाँ कुछ ऐसा होता है जैसे कि जो लड़की होती है वो बिल्कुल न्यूड होती है और ऐसी वीडियो चलाई जाती है। और फिर जब आप उसके साथ वीडियो कॉल में आते हैं और आपका स्क्रीनशॉट और वीडियो लिया जाता है, और इस तरह से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। हाल ही में ऐसा ही केस हमारे साथ भी आया था। एक ऐसे भाई थे और उन्होंने हमें ऐसा बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब हमने पूरी इसकी छानबीन की तब हमने जाना कि ये एक स्कैम होता है, और उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे वो लोग। फिर वो भाई मेरे पास आए और हमने उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ। उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और जब हमने उस नंबर पे कॉल की तो सामने से कोई बंदा महाराष्ट्र से था, आई थिंक महाराष्ट्र से था। वो बोल रहा कि मैं सीबीआई से हूँ, और हमें धमका रहा था कि पैसे दो, ऐसा करो वैसा करो। और जो भाई है, और उनको उनका नाम बार बार ले रहा था कि कहाँ है वो, उनसे मेरी बात कराओ। और गाइज, फिर हमने उसको समझाया, धमकाया, डराया, उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। और ये एक स्कैम होता है इनका, बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं, और जो हमारे साथ भाई थे वो भी फंसे हुए थे, और किसी वजह से ना वो कैमरे पे नहीं आ रहे भी। उन्होंने कहा, मैंने उनको फोर्स किया कि आप आइए और लोगों को बताइए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कि वो कुछ उनको थोड़े से शर्मा रहे या कुछ उनको ऐसा लग रहा कि नहीं यार, कुछ बदनामी की तरह से वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने खुद ही सोचा कि मैं खुद ही आप सबको बता दूं कि ऐसा ऐसा होता है। आप किसी भी अननोन रिक्वेस्ट जो आपको आती है फेसबुक पे किसी भी लड़की की, तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो कॉल किसी लड़की की जो आपने आपने एक्सेप्ट कर भी ली है, उसके बाद आपको वीडियो कॉल आती है, तो आप इस चीज़ से दूर रहिए और डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने वीडियो कॉल उठा भी ली है तो कुछ नहीं होगा, आपने बस डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने उससे बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर आप जो कि जो स्कैमर है वो आपके डर का फ़ायदा उठाएगा और आपसे मोटी रकम मांगेगा, 5,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में वो रकम मांगता है, और लोग हंसते हंसते दे देते हैं, हंसते हंसते उनको देनी पड़ती है, क्योंकि जो डर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों तक इसको पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और आगे होने वाला भी है, और हम इस वीडियो के थ्रू उसको रोक सकते हैं। तो तब तक के लिए अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।